हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल में क्या अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे देखेंगे, और एक चीज़ और देखेंगे, क्या हम यहाँ पे 100 शेयर बाई करके जियो फाइनेंशियल सर्विस में 1 करोड़ की जो वेल्थ है वो बना सकते हैं कि नहीं। जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हमारे हिसाब से तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यस है। हम 100 शेयर अगर बाई करें और 20 से 25 साल का यहाँ पे अगर हम होरिजन रखते हैं, कितना 20 to 25 ईयर का अगर होरिजन हम रखते हैं, तो यहाँ पे 1 करोड़ की जो वेल्थ है ये यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। आज की डेट में अगर 100 शेयर हम बाई करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा ये यहाँ पे ये देख सकते हैं। 250 का भी अगर हम लाएँ, 240 का लगाएँ, तो यहाँ पर 24,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में होगा, और 24,000 से आने वाले टाइम में आराम से 1 करोड़ की जो वेल्थ है 20 से 25 साल का होरिजन अगर आपका है तो आराम से क्रिएट किया जा सकता है। कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। हमारी यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, कभी क्योंकि मार्केट कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो एक ये जो मेरा व्यू है वो यहाँ पर अपना व्यू आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर आपके एजुकेशनल पर्पज से है। आप चीज़ें सीखेंगे समझेंगे तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 100 शेयर को अगर आज की डेट में बाइंग करते हैं तो फ्यूचर में क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम इससे कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें screener.in पे आ जाते हैं, पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर उठा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला जो पॉइंट हम उठा रहे हैं, दोनों सेक्टर के मतलब सॉरी दो स्टॉक हैं एक ही सेक्टर के, एक तो है जियो फाइनेंशियल सर्विस ये, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे बजाज फाइनेंस, ठीक है, एक ही सेक्टर के दो स्टॉक हैं। अब इन दोनों के प्राइस टू बुक वैल्यू का डिफरेंस देखो कितना है, 7 times के आसपास है, 7x के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं इसमें जियो फाइनेंशियल में, सिर्फ यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे जो है वो देखो, यहाँ पे कितने टाइम्स है, मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं तो 1.5x भी नहीं है, 1.5x भी नहीं है, 1.5x होता है 270 रुपये के आसपास, तो 270 रुपये से काफ़ी नीचे है, 240 पे यहाँ पे अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है वो है। तो डायरेक्ट तो यहाँ पे प्लस पॉइंट तो यही हो जाता है कि अगर ये 7 गुना हो गया, अगर 190 माने बुक वैल्यू जो कि आगे बढ़ेगी कम नहीं होगी, और यहाँ पे 7 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 1330 का यहाँ पर आज की डेट में अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस क्या हो जाता है, बजाज फाइनेंस जैसे हो जाता है, प्रॉफिट भले भी पोस्ट नहीं करता है सिर्फ फैल बस जाता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या सेम प्राइस टू बुक वैल्यू का यहाँ पे इसको रेशियो प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है 1330 के आसपास आज की डेट में ही ट्रेड होने लगेगा। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है अगर ऐसा होता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का अभी बिजनेस फैला नहीं है, अगर फैल जाता है और बिजनेस जैसे बजाज फाइनेंस का हो रहा वैसे अगर हो जाता है तो ये डिफरेंस सीधा सीधा दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है, पहला पॉइंट कवर हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 190 से कितना हो गया 1330, आज की डेट में क्या होना चाहिए अगर बिजनेस फैल जाता है तो 1330 पे ये ट्रेड होना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है उस पे आते हैं, अगर यहाँ पे 20 से 25 साल का हम व्यू रखते हैं, क्या 20 से 25 साल का क्या रखते हैं व्यू रखते हैं, तो अगर हम आगे देखें तो जो टोटल आज की डेट में क्या है, टोटल आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है यहाँ पे 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम बात करें 100 शेयर आज की डेट में अगर सेम 1330 पे ट्रेड होने लगेगा स्टार्ट,
तो कितना, 1330 इंटू 100 शेयर। और अगले 20 साल, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल में ये रिटर्न जो जनरेट करके देगा जियो फाइनेंशियल, अगर 100 टाइम्स भी दे दिया, क्या 100x भी दे दिया, तो यहाँ पे जो टोटल मल्टीप्लाई होगा 1330 इंटू 100, 1330 आज की डेट की प्राइस है, आज की डेट की जो प्राइस है, अरे यार ये गड़बड़ होता है, आज की डेट की जो प्राइस है वो 1330 है, 100 आपके शेयर हैं, और अगले 20 साल में 25 साल में 100x का रिटर्न जनरेट कर देगा। 100x का रिटर्न भी देखेंगे बजाज फाइनेंस कितना प्रोवाइड किया है 25 साल में, 20 से 25 साल में, और इसमें क्या स्कोप है। तो आज की डेट में जो वेल्थ क्रिएट होगी 1,33,00,000 कि यहाँ पे जो वेल्थ है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं बात, मुद्दे की बात यहाँ पे, कि 100x का रिटर्न यहाँ पे देगा क्या। अब आ जाते हैं बजाज फाइनेंस, ये आ गया बजाज फाइनेंस। अब लगा देते हैं हम यहाँ पे ऑल टाइम का चार्ट, ऑल टाइम का चार्ट अगर हम देखेंगे किस पॉइंट से, 2023 चल रहा है, 2003 से देखते हैं, सेमी प्राइस पे था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो 5 से 7 रुपए। आज की डेट में ये रिटर्न कितना जनरेट किया है ये देख सकते हो, 100 छोड़ दो, 100 तो है, कितने एक्स का रिटर्न जनरेट किया है। अगर 8 रुपए भी माने उस टाइम पे था तो 100x कितना होगा, 100 टाइम्स 800, ये 1000 टाइम्स रिटर्न जनरेट कर दिया। 8000 रुपये अगर आ जाता है शेयर, ये देख सकते हो, अगर 8000 रुपये आ जाता है तो ये 1000 टाइम्स यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो क्या 100 टाइम्स ये जियो फाइनेंशियल नहीं देगा, पक्का देगा यहाँ पे अगले 20 से 25 साल में। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है, तो वो चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। और जिन लोगों को अब वीडियो लाइक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।